एक्सप्रेसवे के धसकने और दरार पड़ने के चलते हो रही दुर्घटनाओं की खबर स्वराज एक्सप्रेस में प्रसारित होने के बाद ठेकेदार ने रातों रात धसकी सड़क और दरारों में लीपापोती कर दी, लेकिन रात में हुई बारिश ने सारी असलियत खोलकर सामने रख दी। मंत्री विधायक जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा। उद्घाटन के पहले ही जगह जगह से धसक रहे नवनिर्मित एक्सप्रेस वे के निर्माण में 200 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन जनता के हाथ कुछ नहीं लगा, बल्कि यहां से गुजरने वालों की जान अब जोखिम में है। के लागत में बने एक्सप्रेस वे में हुए भ्रष्टाचार का पोल बारिश ने खोल दी है। बीते रात हुए एक्सीडेंट के बाद यहाँ पे सीजीआरडीसी के कर्मचारी किस तरह से इसमें लीपापोती किए हैं, इसका हम आपको नजारा दिखाते हैं। जिस तरह से लिपाई पुताई हुए है, ये देख सकते हैं कि ये पैर से ही ऐसे निकल रहे हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि सीमेंट का घोल डालकर ये दरार को छिपाने की कोशिश की गई है, जो नॉर्मली ये हाथ से भी ऐसा करने से निकल जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे भ्रष्टाचार किया गया, लेकिन इसको छुपाने के लिए किस तरह के हस्तखंडे अपनाए गए हैं। यहाँ तक के जो लिपापोती हुए उसमें आप दरार साफ तौर से देख सकते हैं कि जो ऊपर में आनन फानन में जो किया गया इसका दरार, ये पूर्ण रूप से दिख रहा है। और यहाँ पे जो जो लिपाई पुताई हुए है उसके हम आगे का दृश्य भी दिखाते हैं कि यहीं पे बीते रात घटना हुई थी, जिसमें गाड़ी पलटने से ये जो 4-5 लोग चोटिल हुए थे। बावजूद प्रशासन ने इस तरह से यहाँ पे कार्रवाई की है, हम आपको और दिखाते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे लीपापोती हुई उसके सामने ये इतने आज फिर से दरारें आ गई है। अब देखना होगा कि इस तरह से जो दरार से दरार आ रही है, बारिश होने पे जो पोल खुलते जा रही है, इस पर जो जो प्रदेश सरकार है किस तरह से कार्रवाई करती है, या इसको फाइल बनाकर फिर जांच के नाम पर जनता को गुमराह करती है। कैमरामैन श्याम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस। रायपुर में एक्सप्रेस वे